खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा आवलखेड़ा से, जहां बरहन थाना क्षेत्र में हलवाई के साथ पूरी बेलने गई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वहीं दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को आवलखेड़ा चौराहे पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने इस घटना में शामिल एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, अन्य की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास कर रही है। बताया यह जा रहा है कि यह पूरा मामला थाना एतमाद थोला क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का है, जो हलवाई के साथ पूरी बेलने का काम करती है। रविवार रात को भी वह आवलखेड़ा में एक शादी समारोह में हलवाई के साथ काम करने के लिए गई थी। महिला का आरोप है कि हलवाई और उसके साथी ने देर रात बुरी नीयत से दूसरी जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। साथ ही महिला ने यह भी बताया कि वहां पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। वहीं महिला की स्थिति खराब देख आरोपी घबरा गए और उसे आवलखेड़ा चौराहे के पास छोड़कर भाग गए। पीड़ित महिला किसी तरह पास में ही स्थित पुलिस चौकी पर पहुंची, मगर कोई पुलिसकर्मी वहां नहीं था, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से महिला ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी। सूचना की खबर मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और पीड़ित महिला को मेडिकल के लिए भेजा। वहीं घटना के संबंध में एसपी ग्रामीण पश्चिम सत्यजीत गुप्ता का कहना है कि महिला ने दो लोगों के नाम बताए हैं, इनमें से एक को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं पीड़ित महिला के पति की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जा रही है। उनका यह भी कहना है कि महिला को इलाज के लिए आगरा के लेडी लॉयल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। आवलखेड़ा की क्या घटना है? आवलखेड़ा थाना क्षेत्र बरहन में एक सामूहिक दुष्कर्म की सूचना हमें मिली है। इसमें तत्काल हमने पीड़िता से संपर्क किया, पीड़िता को उपचार हेतु जिला मेडिकल कॉलेज में हमने उनको लाया है, लेडी लॉयल में इनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा जो इनके पति हैं, पति के द्वारा तहरीर ली जा रही है। पति ने बताया कि महिला के इनकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। जो भी तहरीर ये देंगे उस तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। और जो प्राथमिक सूचना ये बता रहे हैं किन्हीं दो लोगों के नाम बताए हैं, उस दो में से एक व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी भी जो नाम इसमें प्रकाश में आएगा उनकी शीघ्र हम गिरफ्तारी करेंगे और आगे की विधिक कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।